राइट सो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रा सेल्यूलर इंटरसेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर ठीक है सो इंटर बिटवीन इंटर मीन्स बिटवीन जैसे इंटर हाउस कॉम्पिटिशन होता था तो अलग अलग दो हाउसेस के बीच का कॉम्पिटिशन है इंटर स्कूल इंटर डिस्ट्रिक्ट तो बिटवीन टू डिफरेंट ठीक है इंटर को आप बिटवीन के लिए ले सकते हो वर्ड ठीक नाउ कम्स इंट्रा सेल्युलर नाव इंट्रा सेल्युलर मीन्स विद इन खुद से कंपटीशन, इंट्रा स्कूल कंपटीशन, मतलब स्कूल के अंदर ही जो बच्चे हैं उनका कंपटीशन है, इंट्रा हाउस कंपटीशन, तो सेम हाउस के बच्चों के बीच का कंपटीशन है ठीक है जब हम इंटरसेल्युलर बोलते हैं तो दो अलग सेल्स के बीच का इंटरेक्शन की बात करते हैं इंट्रा की बोलते हैं तो इंट्रा सेल्युलर विल बी जो सेल के अंदर ही हो रहा है ठीक है इंटर इज बिटवीन टू सेल्स इंटरसेल्युलर इंट्रा इज विदिन द सेल जो ट्रांसपोर्ट अंदर ही अंदर सेल के होता है इंट्रा लेकिन एक वर्ड आता है एक्स्ट्रा अब एक्स्ट्रा कभी भी किसी इंटरक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोला जाता एक्स्ट्रा सेल्यूलर हम बोलते हैं बस बताने के लिए कि ये देखो सेल के बाहर वाला पार्ट है ठीक है इट इज अट्रिक्स आउटसाइड ऑफ द सेल एक्स्ट्रा मीनस आउटसाइड ठीक है एक्स्ट्रा सेलुलर तो जो आपके सेल है उसके बाहर का जो मेट्रिक्स है उसको हम बोलेंगे देखो ये आसपास की जगह है इसकी ठीक है या इसने कोई भी वेसिकल से कुछ रिलीज किया है तो इसने एक्स्ट्रा सेलुलर मेट्रिक्स में रिलीज कर दिया है पॉइंट तो इंटर एंड इंट्रा इज मोस्टली यूज फॉर इंटरैक्शन या ट्रांसपोर्ट या कुछ दो लोगों के बीच में या विद इन द सेल की बात हो रही है अगेन रिपीटिंग इंटरसेल्युलर बिटवीन टू सेल्स इंट्रा सेल्युलर विद इन द सेल चाहे वो ट्रांसपोर्ट है चाहे वो इंटरेक्शन है चाहे जो भी एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर इज जस्ट अबाउट लोकेशन हमें बता रहे हैं सेल के बाहर वाला पार्ट जो है बियॉन्ड द सेल मेम्ब्रेन बियॉन्ड द सेल वॉल अगर प्लांट सेल है तो तो उसकी बात की जा रही है एक्स्ट्रा सेल्युलर मेट्रिक्स जस्ट बाहर वाला एरिया ओके आई होप यू लाइक दिट कोई और क्वेश्चन है कोई और ऐसे प्रॉब्लम्स हैं डाउट्स हैं तो उसको आप कमेंट्स में डाल के जा सकते हो एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब